फोल्डर की कॉपी बना दी। मैंने कहा फाइव टू डू ऐप विद सर्वर एंड डेटाबेस, ठीक है, सेव। अच्छा, तो ये पूरी की पूरी वही वाली ऐप है सर्वर की जो हमने पहले से बनाई हुई थी, और जस्ट हम अब क्या करने लगे हैं, इसको जरा मैं, अच्छा इसको मैं रोक देता हूँ जो पहले से चल रही थी, और सी डी डॉट डॉट सी डी फाइव, ठीक है, इस वाले सर्वर में आ गया मैं, और यहाँ पे आ गया मैं क्या लिखूँगा, एन पी एम रन डेव, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने ये किया ना, एन पी एम स्टार्ट में ही नॉट मोन लगा दिया, तो वो फिर साइक्लिक पे और हरीको पे एरर देगा, चलेगा नहीं वो आपके ना। साइक्लिक को और हरीको को एन पी एम स्टार्ट चाहिए, एन पी एम स्टार्ट के बगैर वो मानते नहीं है। दूसरा, एन पी एम स्टार्ट में नॉट स्पेस ऐप वाला चाहिए, नॉट मोन नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये मैंने इसको रन कर दिया। अच्छा, अब डेटाबेस इसमें कनेक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि डेटाबेस में कौन सा वाला यूज़ करूं। हमारे पास डेटाबेस ऑफ द चॉइस है MongoDB, ठीक है, ये MongoDB हमारे पास आ गया। अच्छा, व्हाट इज़ MongoDB? ये अब एक सवाल है कि MongoDB क्या है, तो हम ज़रा ये देख लेते हैं कि MongoDB क्या है। इन्होंने एक लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई अपनी वेबसाइट पे, MongoDB इज अ डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस विद द स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू वांट विद द क्वेरी एंड इंडेक्सिंग दैट यू नीड। ये इन्होंने एक जुमला लिखा है जिसमें काफ़ी सारी इन्होंने बातें कर दी हैं। इन बातों को हम ना एक एक करके समझ लेते हैं कि ये क्या है। नंबर एक बात, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस इन्होंने बताया है। ये क्या है? डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है। अच्छा, हमारे पास जो ट्रेडिशनल डेटाबेस जो होता है, SQL इज़ अ ट्रेडिशनल डेटाबेस, ये उसके बाद आया है, ठीक है। तो अभी तक जो हमारे पास एंटरप्राइज सिस्टम्स हैं, ज़्यादातर में वो SQL चल रहा है हमारे पास। ये वाला अभी आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा, वो जो डेटाबेस होता है ना, वो डॉक्यूमेंट बेस्ड नहीं होता, वो रो और कॉलम और टेबल्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है, इसमें एक एंट्री जो होती है इज अ डॉक्यूमेंट, उसके अंदर एक एंट्री को बोलते हैं एक रो, सही है, ऐसे बोलते हैं उसको। अब इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि इसको जो डेटाबेस को जो सेव करने का तरीका है ना हार्ड ड्राइव में, उसमें फ़र्क है। उसमें क्या होता है, वो तो करते हैं, पता नहीं कैसे सेव करते हैं, वो मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन इसका मुझे पता है कि ये बाइनरी जेसन इस्तेमाल करते हैं उसको हार्ड ड्राइव में सेव करने के लिए, ठीक है। जो भी कुछ आप इसमें सेव करवाते हैं MongoDB में, वो जैसा होता है ना वैसे ही सेव हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, तो वो थोड़ा लाइट वेट रहता है और बाइनरी उसी जेसन को बाइनरी में कन्वर्ट करके डायरेक्ट सेव करवा देते हैं। अच्छा, स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है? स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई, अगर आपके पास अभी 100 रिक्वेस्ट आ रही है या 100 यूज़र हैं, कल को अगर 1000 यूज़र हो जाए, तो क्या ये डेटाबेस उसके 1000 यूज़र को हैंडल करने के काबिल है? कल 1000 से अगर 10,000 या 1,000,000 हो जाए या 1,000,000,000 हो जाए, तो क्या ये डेटाबेस उसको हैंडल कर सकता है? तो जैसे बोला जाता है ना, स्केलेबल डेटाबेस है, तो स्केलेबल डेटाबेस का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर एक सर्वर आपने घर पे लगाया हुआ है अपने पास, उसके ऊपर कोई भी सर्वर भी स्केलेबल होता है, डेटाबेस भी स्केलेबल होता है, सब कुछ स्केलेबल हो सकता है। तो वहाँ पे अगर 100 यूज़र संभाल रहा है भी आपका कंप्यूटर, कल को अगर आपके पास 200 यूज़र आए ना, तो आप इसके इस दो तरह की स्केलिंग होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल मतलब उसी में रैम प्रोसेसर बढ़ा दें आप उसी कंप्यूटर में, तो आपका काम हो जाए। तो जब रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा यूज़र फिर हैंडल करने लग जाएगा, तो दिस इज़ कॉल्ड स्केलेबिलिटी। अब एक होता है हॉरिजॉन्टल, कि भाई उसके पड़ोस में लाके एक दूसरा कंप्यूटर रख दें और लोड बैलेंसिंग कर देंगे, यार आधा लोड इस पे आधा लोड इस पे, ठीक है। तो यानी कल को 4, 5, 6, 10, 50 कंप्यूटर रख दें और लोड, तो क्या MongoDB जो डेटाबेस है उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अच्छा, जो नॉट स्केलेबल जो होते हैं, जो अनस्केलेबल डेटाबेस होते हैं या अनस्केलेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, मिसाल के तौर पे आप जितना मर्जी हार्ड ड्राइव लगा दो, वो यूज़ उसने 1 GB करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप जितने मर्जी रैम बढ़ा दो, प्रोसेसर बढ़ा दो, वो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं वो थके हुए ही रहते हैं, उनको यूज़ ही नहीं करना होता ज़्यादा रिसोर्स। तो स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, साथ साथ उसको ज़्यादा चीज़ों को वो हैंडल करना शुरू कर देगा।
फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, मोंगो डीबी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो बहुत सारी है। मिसाल के तौर पे सीक्वल के अंदर ना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड उसमें माहौल है कि यार जो भी चीज़ आपको डेटाबेस में सेव करनी है ना वो पहले उसको डिज़ाइन करना होता है, पहले उसको बनाना होता है, उसके अगर ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ ना तो वो सेव नहीं करने देता, बोलता है नहीं भाई सेव नहीं होगा। मोंगो डीबी इज़ अ स्कीमा लेस डेटाबेस, ये फ्लेक्सिबिलिटी की एक बात बता रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी और भी बहुत सारी है इसके अंदर। स्कीमा लेस डेटाबेस है, स्कीमा है ही नहीं इसमें, आप जो मर्जी दे दो इसको, इसको प्रॉब्लम नहीं है, ये उसको सेव कर देगा, अपने पास सेव कर लेगा। अच्छा, हम जो इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स में इसको, हम तो स्कीमा के साथ इस्तेमाल करेंगे, हम बोलेंगे नहीं यार हमें ऐसा स्पेसिफिक एक पैटर्न पे डेटाबेस हम भेजेंगे, उसी तरह से हम गेट भी करेंगे, ठीक है। लेकिन इटसेल्फ मोंगोडीबी को ना कोई स्कीमा रिक्वायर्ड नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है किसी स्कीमा की, आप इसको जो दोगे ना जेसन हो जेसन ले लेगा, ये किसी भी फॉर्म में होगा वो ये एक्सेप्ट कर लेगा, इसको कोई स्कीमा कोई इसके नखरे नहीं है। ऐसा क्यों इसको बनाया गया, ऐसा इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि जदीद दौर की यही ज़रूरत है। हम हमारे पास जो इस वक्त डेटा मौजूद है, आपको पता है बिग डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ अ बिग डेटा, ऐसी ज़रा अपना ब्रेन स्ट्रॉमिंग है कि बिग डेटा क्या होता है, अलग अलग टाइप का जो डेटा होता है उस बिग डेटा होता है, मिसाल के तौर पर क्या अलग अलग टाइप का, साइज बढ़ता जाए जिसका, कितना बढ़ जाए टाइम के साथ, कितना बढ़ जाए, गूगल करो व्हाट इज बिग डेटा, नादरा का डेटा बिग डेटा नहीं है, नादरा का डेटा बिग डेटा कैसे हो गया, नहीं मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो ज्यादा है तो बिग डेटा है, कितना ज्यादा होगा तो बोलेंगे कि अच्छा यार ये बिग डेटा है, मतलब एक सर्टेन साइज होगा ना कोई, इससे बढ़ गया तो बिग है, इससे कम है तो बिग नहीं है, फिर ऐसा है क्या, फेसबुक का जैसे डेटा है बढ़ता रहता है, कैसे बढ़ता है, अच्छा यूजर पोस्ट करते रहते हैं तो डेटा बढ़ता चला जाता है, तो वो बिग डेटा है, है? नहीं एयर डॉट सिसवॉर्म में भी तो यूज़र पोस्ट करते रहते हैं, मतलब काम तो वही हो रहा है, एयर डॉट सिसवॉर्म जो हम इस क्लास में यूज़ करते हैं, एयर डॉट सिसवॉर्म डॉट कॉम जो क्लिप बोर्ड है, शेयर्ड क्लिप बोर्ड है असल में वो, तो फेसबुक पे अगर पोस्ट करते हैं डेटा बढ़ता है तो फिर ये भी बिग डेटा होना चाहिए, क्या ये बिग डेटा है, अगर नहीं है तो फिर ये क्यों नहीं है। हाँ भाई क्या निकला गूगल से, वैरायटी ऑफ डेटा में, नहीं कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी का कोई नाम होना चाहिए ना। हाँ भाई निकाला कुछ गूगल से तुम लोगों ने, अच्छा चलो मैं बताता हूँ, तीन क्वालिटीज जो है ना, अगर किसी भी डेटा में तीन क्वालिटीज मौजूद हो, चाहे वो एक्सेल की स्प्रेडशीट ही क्यों ना हो, एक्सेल की स्प्रेडशीट भी बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, सही है, 40-40 GB की भी हो सकती है स्प्रेडशीट, या CSV फाइल्स जो होती हैं वो 40-40 GB तक भी जा सकती हैं। तो क्या कहते हैं, कैसे हम ये डिसाइड करेंगे, तो ये नहीं है कि भाई 10 TB हो गया या 100 TB हो गया तो ये बिग डेटा है, दिस इज़ नॉट अ बिग डेटा, बिग डेटा वो होगा जिसमें ये तीन क्वालिटीज़ होंगी। नंबर वन वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है यानी डेटा का साइज़ बड़ा होता है, सही है, लेकिन दो क्वालिटीज और भी हैं, साइज बड़ा कितना बड़ा हो, साइज एटलीस्ट टेराबाइट में, एटलीस्ट 1 TB हो, सही है ये, अच्छा ये भी एक मेरा ख्याल है शायद के क्या कहते हैं 1 TB साइज हो, ये अभी क्यों मेरा ख्याल है, मैं इसमें भी रिलेक्टेंट हूँ, 1 TB बोलने में भी रिलेक्टेंट हूँ, शायद इससे मुझे बड़ा बोलना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल ही टेक्स्ट का डेटा है जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं वो तो टेक्स्ट डेटा बिल्कुल लाइट वेट होता है, तो साइज इज नॉट द थिंग यहाँ, कि यहाँ पे साइज की बात नहीं है। अच्छा वीडियो है अगर, तो वीडियो जाहिर है वो फिर 100 TB होगा, उतनी चीज़ अगर वीडियो की, क्योंकि वीडियो 100 गुना बड़ी होती है एक टेक्स्ट के मुकाबले में, ठीक है। तो मैं अभी एक मैं कोट कर रहा हूँ 1 TB, कि 1 TB मिनिमम वो हो,
अच्छा नंबर दो, जैसे भाई ना ये मैं वीडियोस जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या ये बिग डेटा है या वॉल्यूम इसका बड़ा है क्या? अभी जैसे ये अभी रिकॉर्ड हो गया है, अच्छा अभी तो मैंने रीस्टार्ट कर दिया ना सेकंड वाले पार्ट में। नॉर्मली जब मैं 2 घंटे की जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो वो 40 GB तक चली जाती है, ठीक है, मिनिमम 15 GB 16 GB तक होती है डिपेंडिंग ऑन के स्क्रीन पर। जैसे स्क्रीन अभी बिल्कुल स्टिल है ना तो साइज़ कम होता है, लेकिन स्क्रीन जब ज़्यादा मूव करती है या मेरा कैमरा ओपन कर लेता हूँ मेरा फेस आ रहा होता है तो फिर वो 40 GB तक भी जाती है, ठीक है। तो ऑन एवरेज 20 लगा लो, डेली बेसिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ आप लोगों की क्लास का, तो वॉल्यूम तो इसका बड़ा है क्योंकि इंटरनेट पर अपलोड होने में भी इसको 15-20 मिनट लग जाते हैं, इतना बड़ा साइज़। तो क्या कहते हैं, वॉल्यूम तो ये बड़ा हो गया। मिसाल के तौर पर मैं पिछले 3 महीने से अपलोड कर रहा हूँ तो करो मल्टीप्लाई कितना हुआ अपना 20 लगाया हमने ऑन एवरेज, 20 मल्टीप्लाई भाई हफ्ते में महीने में आपके जो है ना 15 डेज क्लासेस होती हैं, 15 डेज होती है ना, 3 दिन होती है 3 दिन नहीं होती, तो ये 300 GB यहाँ हो गई एक महीने की, सही है। तो 300 GB एक महीने की और 300 GB मल्टीप्लाई भाई पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ मैं, 900 GB हो गई। तो 1 TB तक का डेटा मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे पिछले 3 महीने या 4 महीने में। अच्छा उसके अलावा भी करता रहता हूँ, इस क्लास के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं दूसरी कर रहा होता हूँ, तो पता ही चला कि 1 TB तक का डेटा तो मैं भी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। मेरे जैसे और हज़ारों लाखों लोग हैं जो इस तरह की वीडियोज़ बना बना के डाल रहे हैं और 4K क्वालिटी, ये 4K नहीं होता जो मैं डालता हूँ, 4K क्वालिटी में डालता है, 4K क्वालिटी की 10 मिनट की वीडियो इतने की होती है 10 मिनट की वीडियो उसकी इतने साइज़ की होती है, इतने की मेरे 2 घंटे की होती है पूरी। तो कितना डेटा हो गया ये, हज़ारों टेराबाइट्स हो गया डेली का, हज़ारों टेराबाइट्स एक ऑन एवरेज। अच्छा तो वॉल्यूम हमने समझ लिया कि ये वॉल्यूम तो बड़ा है, हम अगर YouTube की या Facebook की, Facebook पे भी लाइव वीडियोस कर रहे होते हैं लोग, वीडियो शेयर करते हैं पोस्ट शेयर करते हैं, तो अगर 300 KB की भी एक पिक्चर है, 2 बिलियन यूज़र ये क्लेम करते हैं Facebook वाले के, 2 बिलियन यूज़र हैं हमारे पास, तो अगर 300 KB की फ़ोटो पोस्ट करते हैं ना अगर 200 बिलियन लोग या उनमें से आधा भी, अगर 200 बिलियन नहीं 2 बिलियन सॉरी 200 बिलियन तो आबादी नहीं है पूरी दुनिया की, तो 2 बिलियन में से अगर आधे लोग फोटो पोस्ट करते हैं एक फोटो दिन की 300 KB की, तो कितना हुआ ये 300 KB मल्टीप्लाई बाय 2 बिलियन, ये नहीं बता पा रहा बेचारा, चलो गूगल से पूछते हैं फिर, 600 TB, ठीक है। अगर 2 बिलियन सॉरी 1 बिलियन करना था ना, 2 नहीं कर रहे सब लोग थोड़ी फारे रहे ठीक है, तो फिर भी 300 TB बन रहा है एक दिन का, ठीक है ऑन एवरेज, इससे कम नहीं होगा ज़्यादा ही होगा। तो वॉल्यूम तो हम समझ में आ गया हमें कि फेसबुक यूट्यूब, जैसे आपने दोस्त ने कहा कि फेसबुक का डेटा बिग डेटा है, तो पहली क्वालिटी तो हो गई उसमें, और दूसरी क्वालिटी कौन सी है, फ्रीक्वेंसी। उस डेटा की ना फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, जो बिग डेटा होता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे जैसे फेसबुक में अभी अभी रिसेंटली मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, तो अभी गवर्नमेंट ने उनको पाबंद किया है कि भाई आपके पास ये डेटा आता है ना पोस्ट होता है, ये फेक न्यूज़ फैल जाती है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये सबको आप रोकथाम करें इसकी, ये आपके प्लेटफॉर्म से हो रहा है, फेसबुक के प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस कंपेन को जो है ना लोग वो कर देते हैं, क्या कहते हैं मैनिपुलेशन चल रही है, एक ख़ास कम्युनिटी एक ख़ास जगह पे ख़ास तरह की मैनिपुलेशन कर रहे हैं लोग, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया इज़ अ वॉर मशीन, ठीक है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को बोलने में रिलेक्टेंट नहीं हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर वॉर मशीन्स इन 5th जनरेशन वॉरफेयर, तो वो कह रहे हैं भाई आप इस पर रोकथाम करो, तो वो बेचारा रो रहा था मार्क ज़करबर्ग के, यार मैंने तो इसलिए बनाया था कि लोगों को कनेक्ट करूँ आपस में, एक अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म बनाऊँ, ये मुझे किन चक्रों में डाल दिया, कि यार अब कह रहे हैं कि हमने क्या किया, एक अलग कमेटी बना दी है, एक अलग डिपार्टमेंट बना दी है जिसका मेन कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, हम कहते हैं यार साइड पे करो, तुम ही गवर्नमेंट को मुँह दो और तुम्हें करना है जो कुछ करना करो, हमें अपना काम करने दो, सही है। तो अब इमेजिन करें आप कि वो जो 300
टेराबाइट का डेटा एक दिन में अपलोड हुआ है फोटोज की सूरत में, उसको एआई लगा के एनालाइज करना है कि उसके अंदर कोई दहशतगर्दी की बात तो नहीं हो रही, उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, उसके अंदर कोई एंटी इस्लामिक बात तो नहीं हो रही है, एंटी रिलीजियस बात कोई तो नहीं हो रही, क्योंकि फेसबुक के लिए प्रॉब्लम है, उस पर एंटी रिलीजियस कोई बात हो जाती है फिर वो बाद में हंगामे होते हैं उसके चक्कर में, इवन अमेरिका में फिर गवर्नमेंट उनको बोलती है यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे इसके लिए। तो अब 300 टेराबाइट की जो फोटोज़ हैं उस पर एआई लगा के उसको एनालाइज करना है कि इसके अंदर कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं होगी। अच्छा, 300 टेराबाइट का जो डेटा एनालाइज करने में एक नॉर्मल कंप्यूटर में तो शायद 10 साल में भी ना हुआ है एक जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, 300 टेराबाइट बहुत बड़ा डेटा होता है, तो उनके पास जो सर्वर्स हैं उस पर करते हैं वो शायद, तो आप इमेजिन करें उसको 24 घंटे लग रहे हैं एनालाइज करने में, ठीक है, 24 घंटे बाद क्या वो रुका रहेगा कि 24 घंटे में वो एनालाइज हो जाए तो फिर पब्लिक दोबारा पोस्ट करना शुरू करेगी? पब्लिक तो नहीं रुकेगी ना, वो तो कर रही है पोस्ट, कभी क्रिसमस वगैरह होते हैं तो ये 300 टेराबाइट शायद 3000 टेराबाइट पे भी पहुंच जाता हो, क्रिसमस वगैरह पे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, फारे होते हैं या वीकेंड्स के ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि वो 300 जब तक एनालाइज करेंगे ना वो 300 और आ चुका होता है, फिर उसको करेंगे तो 600 और आ चुका है पीछे से, तो फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उसको हम बोलते हैं बिग डेटा ये, ठीक है। नंबर दो क्वालिटी समझ में आ गई, जैसे आप इमेजिन करें कॉल्स, जो कॉल्स का डेटा है, ठीक है, पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट है वो मैं इस बात को बोलने में रिलेक्टेंट नहीं हूँ कि पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट्स हैं वो कॉल रिकॉर्ड करती हैं, ठीक है, कॉल्स आपकी जो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हैं ये सारी रिकॉर्ड होती हैं, एनालाइज होती हैं, इस पर नज़र रखी जाती है, ठीक है, करती हैं गवर्नमेंट्स के लिए मजबूरी, हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में जी रहे हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो बिड़ा करके वैसे भी। अच्छा, तो आप इमेजिन करेंगे कॉल्स का डेटा, ये इमेजिनरी बात है सारी अभी जो चल रही है, सही है, असली में तो पता नहीं कुछ और ही होता होगा ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि फेसबुक एनालाइज करता होगा, हो सकता है वो कुछ भी ना करता हो, हो सकता है वो यूज़र के कुछ ऐसी ट्रिक निकाली हुई हो, उसको जुगाड़ निकाला हुआ कोई, तो हम ये इमेजिनरी बात कर रहे हैं कि ऐसा होता होगा, असली में कुछ और होता होगा होपफुली। तो कॉल्स का डेटा है, पाकिस्तान की कितनी आबादी है? 20 करोड़ है। अच्छा, कितने एक दिन में ऑन एवरेज एक बंदा कितनी कॉल करता है? अपनी अपने ऊपर रख के सोचें, मैं 10 कॉल तो हो जाती है मेरी एक दिन की, किसी कोई ना कोई कॉल करता रहता है या मैं किसी को करता हूँ, तो एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट की या दो दो मिनट की ना 10 कॉल होती है मेरे पास, और फोन अगर कभी मेरी वाइफ के हाथ में आ गया और उसने अपनी अम्मी का नंबर मिला लिया तो फिर एक घंटे चलती है वो कॉल तो चलो मैं अपने पे रख के सोच रहा हूँ कि एक डेढ़ मिनट की 10 कॉल कर रहा है एक बंदा। अच्छा, 20 करोड़ में से 10 करोड़ के पास तो फोन होगा ना, उससे कम तो नहीं होगा, मेरा ख्याल है 16-17 के पास होगा, शायद 1-2 करोड़ ऐसे होंगे जिनके पास फोन नहीं है, सबके पास फोन है, क्योंकि सैलाब जदगान को जो इमदाद मिल रही है वो भी फोन से मिल रही है, जो कोविड में इमदाद मिल रही है वो भी फोन से मिल रही है, तो सबसे गरीब तबका भी उसके पास फोन मौजूद है ना, जब ही तो मिल रही है। तो लेकिन अभी हम ऑन एवरेज 10 लगाते हैं, आधा हाफ 10 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है और वो ऑन एवरेज एक दिन में एक कॉल कर रहे हैं एक मिनट में, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, एक दिन में एक मिनट की कॉल कर रहे हैं, तो 10 करोड़ मिनट हो गए, 10 करोड़ मिनट हो गए, MP3 के 10 करोड़ मिनट, कितने घंटे का बनाएगी डेटा देखते हैं कि ऑन एवरेज MP3 का क्या होता है, 128 KB होता है बिट रेट जो सॉन्ग्स हम सुनते हैं, तो चलो 64 KB में कर लेंगे भाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग इतनी हाई क्वालिटी नहीं चाहिए हमें, 64 KBPS होता है, मतलब 64 KB/s, सही है, ये के बी छोटे बिट बे वाला के है ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितने से, 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता, पता नहीं कितने होते हैं, 10 करोड़ 100 मिलियन होता है ना, 100 मिलियन, सही है, 800 GBPS, नहीं ये तो क्या कुछ और ही कर दिया इसमें, हमें के बी पी एस क्यों लगाया, सिर्फ के बी लगाऊंगा ना, 64 KB मल्टीप्लाई बाई 100 मिलियन की स्पेलिंग गलत की है क्या मैंने, 6.4 टेराबाइट एक दिन की कॉल का डेटा बनेगा, वो एक मिनट अगर कोई बात कर रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं यार एक मिनट नहीं 10 मिनट बात कर रहा है, तो इसको एक जीरो इसमें और लग जाएगा, तो फिर ये हो गया 64 टेराबाइट,
10 मिनट अगर बात कर रहा है ऑन एवरेज, 10 कॉल हो रही है ना क्योंकि, तो 64 6 टेराबाइट से लेके 64 टेराबाइट के दरमियान का कहीं ना कहीं एक डेटा है, ठीक है। ये अगर मैं वैसे बोलूँ कि यार 10 मिलियन जो मिनट्स होते हैं, 100 मिलियन जो मिनट्स होते हैं, 2 आवर्स, तो ये कोई इतने आवर्स बनेंगे, बल्कि आवर्स नहीं, इसको मैं ईयर्स कर लेता हूँ, ईयर्स कर लेता हूँ, तो ये 1900 साल बनते हैं। यानी अगर एक बंदा बैठ जाए ना उस रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए, जो एक दिन की रिकॉर्डिंग है, सही है, वापस उसको 100 मिलियन कर देते हैं, मतलब 10 करोड़ कर देते हैं, ठीक है, तो ये फिर भी 190 साल बनते हैं। यानी 10 करोड़ लोग मिलके अगर एक मिनट की कॉल करते हैं ना, दिन में एक मिनट की कॉल करते हैं, तो दिन के आखिर में 190 साल की रिकॉर्डिंग तैयार हो जाएगी, कि अगर एक बंदा बैठ जाए उसको सुनने के लिए, तो 190 साल तक वो सुनता रहेगा, इतनी तो ज़िंदगी नहीं है बंदे की। अच्छा, फिर अगले दिन 190 साल और तो फिर तो पूरी दुनिया के लोगों को बिठा के सुनाना पड़ेगा, जब ही कंप्लीट होगा शायद, जब भी ना हो पाए। तो हमने देखा ये डेटा साइज भी बड़ा है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंट है ये डेटा, ठीक है, बार बार आ रहा है, अगले दिन फिर आ जाता है, फिर अगले दिन फिर आ जाता है, कभी किसी दिन ज़्यादा छुट्टी हो गई, कोविड में कोई लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो ये बहुत बढ़ जाता है, लोग सब घर में, सब एक दूसरे से कॉलें कर रहे हैं, अब तो व्हाट्सएप के आने के बाद तो वैसे ही जान का अजाब हो गया, पहले तो पैसे लगते थे कॉल में, अब पैसे भी नहीं लगते, अब फ्री हो गई है कॉलें सारी व्हाट्सएप के बाद, ठीक है। ये टेलीकॉम वालों ने भी सबके लाले पड़ गया, तो इन्होंने बोला अब सब फ्री, अब वो 500 रुपये का वो कार्ड लगता है और पूरे महीने बातें ही करते रहो बस फ्री। तो हमने ये दूसरी क्वालिटी देखी, क्या देखा हमने, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि यार बिग डेटा है। नंबर तीन स्कीमा लेस होगा वो डेटा, जो अगर मिसाल के तौर पे फ्रीक्वेंट भी है और साइज भी बड़ा है लेकिन उसका स्कीमा है ना अगर, तो वो बिग डेटा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि फेसबुक की जो पोस्ट है उसका स्कीमा होता है, स्कीमा मतलब ये है कि उस भाई उसमें कॉलम्स होंगे कि अच्छा यार ये कितने बजे पोस्ट हुई, किस बंदे ने पोस्ट की, उसका नाम क्या है, सही है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, ये चीज़ें तो हमें पता होती है ना, हर पोस्ट में सेम होता है। जैसे हमने जो हमने देखा फेसबुक के अंदर जो पोस्ट होगी उसमें एक फ़ोटो होगी, एक टेक्स्ट होगा, वो टेक्स्ट हमेशा टेक्स्ट ही मिलेगा, अगर नहीं लिखा तो खाली मिलेगा, किस किस ने लाइक किया हुआ वो बंदे मिलेंगे सारे, कॉमेंट्स मिलेंगे सारे, तो ये तो फिक्स है ना, ये तो स्कीमा हो गया। कॉल का स्कीमा है क्या कोई, किसने कॉल की, किस नंबर से, किसको की, जिसने कॉल की थी वो किस लोकेशन पे, जिसको कॉल गई वो किस लोकेशन पे, टाइम उस वक्त क्या हो रहा था, कौन से नेटवर्क से कॉल की, किस नेटवर्क को कॉल की, कितनी देर बाद किया, ये भी एक टाइम ड्यूरेशन, ये भी एक आ रहा होता है, ये तो फिक्स है सारी, तो ये तो स्कीमा हो गया। स्कीमा लेस डेटा कैसा होता है, कोई ऐसी एग्जांपल आ रही है जहन में कि जिसका वॉल्यूम भी ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो और उसका स्कीमा लेस हो, स्कीमा कुछ नहीं पता है कि क्या आ जाए सामने से, क्योंकि कॉल में तो इतनी सारी बातें पता है हमें, फेसबुक की पोस्ट में भी पता है हमें कि एक नाम होगा, फोटो होगी, टाइम होगा, टेक्स्ट होगा, फोटो होगी, एक क्या फोटो पोस्ट या वीडियो होगी उसकी जगह, या लाइव वीडियो होगी, जो भी होगा, या किसी दूसरे का लिंक शेयर किया हुआ होगा, कोई ऐसी एग्जांपल आ रही है जहन में कि स्कीमा हो ही नहीं बिल्कुल। बताओ, वेब स्क्रैपिंग जो होती है, हाँ सही कह रहे हो, उसमें तुम उसमें कोई स्कीमा नहीं होता, बस वेबसाइट से पूरा उठा लेते हैं जैसा हम, लेकिन उसका तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है वॉल्यूम, या अगर चलो वॉल्यूम भी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जाहिर है एक मशीन लगा के मैं स्क्रॉल उसको क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो ये इस मशीन की जितनी कैपेसिटी उतनी वो जनरेट करेगा डेटा, उससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकता। चलो लेकिन सही, कहीं ना कहीं तुम्हारी एग्जाम्पल को हम सही मान लेते हैं, लेकिन इससे भी बहुत ऑब्वियस एक चीज़ है, अभी मैं बताऊंगा तो बोलोगे अरे ये तो सामने खड़ा हुआ था हमारे, ऐसी बड़ी ऑब्वियस एक बात है। जो कॉल का डेटा है, मैंने जो बताया कि कॉल के स्कीमा में क्या क्या है, कॉलर का नंबर, रेसिपिएंट का नंबर, कॉलर की लोकेशन, रेसिपिएंट की, जाहिर है किसी टावर से कनेक्ट होता है, आ रहा होता है वो साथ में,
किस नेटवर्क से किया, किसको किया, किस नेटवर्क पे किया, लेकिन बोल क्या रहा है, उसका कोई स्कीमा है क्या? क्या जब कोई कॉल करता है किसी को तो वो ये कहता है कि अस्सलाम वालेकुम मुअद्दिबाना, क्या बख़िदमत जनाब शहजाद साहब, मेरे अजीज़ अंकल और नाजमाबाद टाउन फला फला, उसके बाद क्या, उसके बाद कहते हैं मुअद्दिबाना गुजारिश अर्ज़ ये है कि मेरे जो पैसे आपने लिए हैं वो वापस कर दें और ऐन नवाजिश होगी। ये पैटर्न होता है ना, ये एक स्कीमा होता है कि यार ऐसे लिखा हुआ होगा, हर दफ़ा ऐसे बात होगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर किसी ने पैसे खाए हुए ना तो फ़ोन उठाते ही वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या बोलेगा आप सबको पता है। अच्छा, फिर पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? 300 से ज़्यादा तो शहर हैं, 300 मेन सिटीज़ हैं, और भी हैं, वो रिकॉर्ड पे नहीं है लेकिन और भी हैं। हर शहर की कम से कम एक ज़ुबान तो अलग है। पंजाब में ही आप एक गांव से जब आप ट्रैवल करते हैं ना 10-12 किलोमीटर, तो वो दूसरी बिल्कुल अलग होती है ज़ुबान। हर 5 किलोमीटर पे, पाकिस्तान ऐसा डाइवर्स मुल्क है जिसमें हर 5 किलोमीटर पे ट्रेडिशन, ज़ुबान, रहन सहन चेंज हो जाता है। आप यहाँ गुलशन इकबाल में बैठे हुए ना, आप 5 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, वहाँ का रहन सहन अलग है। ठीक है, आप इस तरफ जाएंगे तो अलासिफ है सामने, वहाँ का रहन सहन आप अलग है बिल्कुल। आप इस तरफ जाएंगे तो जौहर है, जौहर में आप देखें बिल्कुल मुख्तलिफ है, लोगों की ज़ुबान मुख्तलिफ है। अगर आप इस तरफ जाएं तो आप शायद कहाँ पहुँच जाएंगे, आप चलो जहाँ भी पहुँच जाएंगे, तो 5 पे नहीं तो 10 पे चेंज हो ही जाएगा पक्का, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। अच्छा, कौन सी ज़ुबान में कॉल में बात हो रही है ये नहीं पता, क्या बोल रहा है बंदा ये नहीं पता। अच्छा, ये भी नहीं है कि कोई नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन लगा के ना कोई स्टूडियो के भाई कोई नॉइज़ ना आए, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल क्लियर जाए आवाज़, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। कोई ट्रैफिक में खड़ा होकर चीख रहा होगा, कोई खामोशी में रात को तकिए के नीचे मुंह दबा के आवाज़ आ रही होगी कोई, ठीक है, तो आवाज़ भी बिल्कुल अलग अलग होगी, कोई फिक्स रूल नहीं चल रहा। तो इसका कहाँ से स्कीमा हो गया? कुछ चीज़ों का तो है स्कीमा, लेकिन जो मेन है ना चीज़ जिसको मॉनिटर करना है कि बोल क्या रहा है बंदा, बात क्या कर रहा है, कोई स्कीमा नहीं है। किस ज़ुबान में मेल है, फीमेल है, शोर है, शराबा है, कहाँ पे खड़ा हुआ है बंदा, इंग्लिश भी बोल सकता है कोई, उर्दू, पश्तो, कुछ भी बोल सकता है, कोई नहीं पता। कोई एक दूसरे को कॉल करके गाना सुना रहा होगा, होता है ना, कुछ भी करेगा वो, कुछ भी बोलेगा। तो इसका कोई स्कीमा नहीं है। फेसबुक की पोस्ट का क्या स्कीमा बताया था मैंने? टेक्स्ट होगा कुछ, पिक्चर होगी साथ में, तो क्या ख्याल है? ये तो स्कीमा है इसका भाई, कहाँ से स्कीमा है? टेक्स्ट में, फेसबुक की पोस्ट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दुनिया की किसी भी ज़ुबान में हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है उसमें। उसमें तो ये नहीं है ना टेक्स्ट में कि वो फिर बख़िदमत जनाब वाला कि भाई कोई बंदा नवाज शरीफ के खिलाफ पोस्ट कर रहा है फेसबुक पे, तो वो ये थोड़ी लिखेगा कि मैं पोस्ट करने की नियत करता हूँ नवाज शरीफ के खिलाफ और मैं फला फला, वो तो डायरेक्ट लिखेगा, वो लिखेगा भी ऐसे ना कि उस पर कोई एलिगेशन ना लगे, कहेगा कि भाई फला फला क्या अभी मेरे क्या आजकल चल रहा है वो उसके खिलाफ, कि ऐसा वाला नशा कहाँ से मिलता है, ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे एक वो वीडियो चल रही है। मतलब वो नाम भी नहीं लिखेगा ना, उसको पता है वो क्या कहते हैं पकड़ में ना आ जाए। उस ऐसी बात लिखते हैं सहाफ़ी ज़्यादातर कि वो आप उसको पकड़ नहीं सकते उसकी बात को। जैसे अभी एक कह रहा था ना कि कोई तो है जो निज़ाम मुल्की चला रहा है, वो बाजवा है, ठीक है, तो आप इसको पकड़ नहीं सकते, चला रहे हैं ना, बाजवा ही चला रहे हैं, अभी उसने संभाला है सारा निज़ाम, सही है, तो इख्तदार में जो भी मतलब वो होता है अहदा उस पर, तो आप पकड़ नहीं सकते, ऐसी बात लिखते हैं वो, लेकिन इसका पीछे कॉन्टेक्स्ट है बहुत बड़ा। तो स्कीमा कहाँ से हो गया फिर? फेसबुक की पोस्ट का कोई स्कीमा नहीं है, स्कीमा लेस डेटा है। फिर पिक्चर जो लगी हुई है, उस पिक्चर में क्या शो किया जा रहा है? क्या वो कोई लाइन ड्राइंग है, या हाथ से लिखा हुआ कोई टेक्स्ट है, या कोई बिल्डिंग्स की पिक्चर है, सनसेट का सीन है कोई, या कोई ऑफेंसिव सीन है, कहीं मोबाइल चलते हुए किसी की फ़ोटो ली हुई है, कोई रिश्वत लेते हुए फ़ोटो ली हुई है, कोई पता नहीं है। फ़ोटो का कोई स्कीमा नहीं होता, फ़ोटो वीडियो का कोई स्कीमा नहीं होता। यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं ये रिकॉर्डिंग करके, इसका कोई स्कीमा नहीं है।
मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से, एक दिन मैं कैमरा खोल के मैं कुछ और कोई किसी की एक्सीडेंट की फोटो डाल दूँ, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है इसकी। फेसबुक तो आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन पॉइंट मेरा कहने का ये है कि फेसबुक के पास जो डेटा पहुंच रहा है यूज़र के पास से, वो बिल्कुल स्कीमा लेस है, उसका कोई स्कीमा नहीं है। अच्छा, तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, 3 क्वालिटीज़ देखी हैं। अगर किसी भी डेटा में ये 3 क्वालिटीज़ होंगी तो वो क्या होगा? बिग डेटा कहलाएगा। जदीद दौर में बिग डेटा हर तरफ आपके पास मौजूद है, बिग डेटा। इम्तियाज़ में जो सेल्स हो रही हैं वो भी बिग डेटा है। इम्तियाज़ में जो यूज़र का बिहेवियर है कि कौन से पे, अब ज़्यादा वो लंबी डिटेल हो जाएगी कि अब इस तरह के स्टोर्स जो हैं सुपर स्टोर्स, वहाँ से क्या डेटा जनरेट हो रहा है। फिर जो नादरा में लोग जा रहे हैं वहाँ से, एक तो नादरा का डेटा बेस है, दैट इज़ तो स्कीमा है ना भाई, तो NNIC का, जो लिखेंगे वही जाएगा, जो नहीं लिखेंगे वो कहाँ से जाएगा। लेकिन नादरा के अंदर दूसरी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे किस तरह का डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, अब वो सेव नहीं कर रहे वो एक अलग बात है, उसको वो ज़ाया कर रहे हैं, कि किस उम्र के लोग किस वक्त फ्री होते हैं, किस वक्त आते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो यंग लोग हैं ज़ाहिर है वो रात को जाते होंगे क्योंकि दिन में जॉब करते हैं, तो वो इस तरह का बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा होता है, वो पकड़ नहीं रहे उसको, वो बात अलग है। ठीक है, फिर इसी तरह सैलानी का जो डेटा है यहाँ पे, कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो हर जगह आपके ना हर तरफ बिग डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। मुख्तलिफ सेंसर से जो डेटा आ रहा है वो भी बिग डेटा है। ठीक है, अब वो कैसे बिग डेटा है वो फिर एक लंबी कहानी है, वो भी मैं छेड़ना नहीं चाहता। तो इस दौर की जो ज़रूरत है ना, वो एक ऐसा डेटा बेस है जो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए रेडी हो। अभी भेज देता हूँ, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए रेडी हो, एक ऐसा डेटा बेस इस दौर की ज़रूरत है। अच्छा, वो है MongoDB। अच्छा, MongoDB इज नॉट दी ओनली डेटा बेस दैट कैन हैंडल बिग डेटा। MongoDB के अलावा भी बहुत सारे डेटा बेस हैं जो बिग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। हम MongoDB क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि MongoDB एक तो मर्न स्टैक का पार्ट है। MongoDB को अच्छा खासा टाइम हो गया, इसने अपना टेन्योर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, अब एंटरप्राइज भी इसको रिलेक्टेंट नहीं है, अब वो भी इसको यूज़ करना शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो क्योंकि शुरू में कोई सॉफ्टवेयर आता है ना, वो इमेच्योर होता है, उसमें बग्स होते हैं बहुत सारे, एंटरप्राइज बोलते हैं इसको भी छोड़ दो, इसको मार्केट में भी सर्वाइव करने दो, थोड़े दिनों में जब 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल ये अपना टेन्योर पूरा करेगा जो इमेच्योरिटी का, फिर उसके बाद मेच्योर होगा, फिर हम इसमें हाथ डालेंगे। ठीक है, तो वन ऑफ द मेच्योर डेटा बेसिस दैट कैन हैंडल बिग डेटा, दैट कैन स्केल। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी की वजह से हम बिग डेटा, हम MongoDB को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरे भी हैं इसके अलावा, लेकिन या तो वो प्रोप्राइटरी डेटाबेस है, MongoDB जो है ना वो ओपन सोर्स है। ठीक है, MongoDB काम कैसे कर रहा है, दैट इज़ ओपन सोर्स, जाहिर है सेफ कहाँ रहा है वो तो सीक्रेट जगह ही है। तो MongoDB जो है वो JavaScript के अंदर है, JavaScript ही हमने सर्वर भी बनाया है, JavaScript का ही डेटाबेस है हमारा। तो बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री को MongoDB बहुत पसंद है। अच्छा, तो हम कौन है? हम चैटबॉट डेवलपर नहीं है, हम डेवलपर हैं जस्ट। हम जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होगी ना, लोग बोलेंगे यार ये बनवाना है, मिसाल के तौर पर चैटबॉट की डिमांड है तो मैं चैटबॉट सीख के बैठा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ। कल को मार्केट बोलेगी कि यार हमें फ्लटर चाहिए, वैसे फ्लटर सबसे नॉनसेंस चीज़ जो हुई है ना इस पूरे पिछले 4-5 सालों में, वो मेरे को लगता है फ्लटर ही हुई है। लेकिन मतलब फिर भी अगर फ्लटर की बहुत डिमांड बढ़ गई तो मैं भी सीखूंगा फिर। तो हम जो मार्केट मांगती है ना वो, तो MongoDB मार्केट में डिमांड है, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम MongoDB को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, मेरा ख्याल है अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा है, 8 बज चुके हैं पूरे, तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये जो हमने फोल्डर को कॉपी बनाया था, ये इस पर कल हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे अब इंशाल्लाह आने वाली क्लास में। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे आप लोग।